जी इस वक्त हम मौजूद हैं शारजा क्रिकेट स्टेडियम में और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर रुमान रईस खान, जो कि फिट होकर पीएसएल में वापस आए हैं और एक साल बाद उन्होंने क्रिकेट रिज्यूम किया, मैच खेला, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। रुमान, कैसा फील कर रहे हैं एक साल बाद फील्ड में वापस आना? ऑब्वियसली बात है, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं इतने अरसे से क्रिकेट को मिस कर रहा था और अब मैं जब उस दिन खेला हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है, अंदर एक हैप्पीनेस सी आ गई है और अब मेरी फोकस ये है कि मैं अपने आप के क्रिकेट को एंजॉय करूं और मैं अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस करूं और अल्लाह मुझे कामयाब करे। अच्छा रुमान, जाने से पहले भी आपसे बात हुई थी, लेकिन इस वक्त आपने कैंप ज्वाइन कर लिया है, वकार यूनिस, डीन जॉन जैसे लेजेंड्स आपके साथ हैं, कितनी सपोर्ट है उनकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी मैनेजमेंट की बहुत सपोर्ट रही है मेरे साथ, और स्पेशली जब मैं क्रिकेट से आउट था तब भी ऑफ द फील्ड भी और ऑन द फील्ड दोनों में बहुत सपोर्टिव रही है। स्पेशली वकार भाई के साथ जो चीज़ें, मैं एक अरसे के गैप के बाद आया हूँ तो जो चीज़ें मेरे से, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद मेरी चीज़ ठीक नहीं हो रही है, तो मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आगे भी अपना काम करता रहूँगा। रुमान, नया सीज़न है, नया जोश, नया जज्बा, कुछ नई प्लानिंग? नई प्लानिंग सिंपल है, सिर्फ क्रिकेट को एंजॉय करना है, अच्छे से खेलना है, पॉजिटिव होकर खेलना है, और जो चीज़ें मैंने पास्ट में भी की हैं तो उनको मैं ओवरकम करूंगा कि इंशाल्लाह अच्छा करने की कोशिश। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, बैटिंग आपने कहा था आपने बहुत इंप्रूव किया, लेकिन नंबर 11 पर आपको बैटिंग करवाई जा रही है, किसी मैच में अगर ऊपर भेजा गया तो? नहीं, देखें जो मेहनत मैंने की है वो अभी किसी ने देखी नहीं है, होपफुली मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जब भी मुझे मौका मिले मैं अपनी टीम के लिए कुछ ऐसा इनपुट करूँ कि जिससे फिर मेरी टीम बोले कि नहीं यार ये बैटिंग भी करता है। थैंक यू रुमान, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।